हेलो एरीज, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है आपकी अक्टूबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं द थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर। मैसेजेस फॉर एरीज, एट ऑफ फायर, द फूल, सिक्स ऑफ वाटर, एंड टू ऑफ वाटर। सो आई थिंक कोई आप में इंटरेस्टेड है, इधर आप टू ऑफ वाटर देख रहे हैं। कोई फ्रेंड हो सकता है जो आप में बहुत क्लोजली इंटरेस्टेड है। कोई लव इंटरेस्ट हो सकता है, मतलब कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने के लायक है या फिर खुद को समझता है। और शायद आपके इनके बीच में अच्छी दोस्ती है, अच्छी बॉन्डिंग है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो हो सकता है कि आप इस वीक में किसी ऐसे से मिले जिससे आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाए, आपकी एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए। एंड शायद ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहता है, ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर चाहता है, पर लगता है कि आप इसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ सिक्स ऑफ वाटर है, सिक्स ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है आप अभी भी अपने पास्ट में अटके हुए हैं। सिक्स ऑफ वाटर के साथ हो सकता है किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से बाहर आए हो इस वक्त, या कोई ऐसी चीज है आपके पास्ट में जो आपको मूव ऑन नहीं करने दे रही। आप लगातार एक जगह पर फिक्स है, एक जगह पर बैठकर आप बस पुरानी चीजों को देख रहे हैं डेप्थ में। ओके, वो चीजें जो बहुत पहले ही डेप्थ में जा चुकी हैं, एक तरह से डूब चुकी है, या फिर जिसका कोई मतलब नहीं है, आप शायद उन चीजों को मिस कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, नहीं। पर कहीं ना कहीं इस वक्त आप बहुत ज्यादा इमोशनली किसी से अटैच्ड हो सकते हैं। और सिक्स ऑफ वाटर के साथ हो सकता है कि आप में से कुछ के लिए एक चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी हो। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी नए पर्सन के लिए तैयार हैं। और एट ऑफ फायर के साथ आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आना ही है। ओके, यूनिवर्स आपको जरूर एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। अब इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करना, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि नई चीजों की तरफ देखो, नए डायरेक्शन में देखो। और यहां पर आपके लिए बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी लाइट है, आप अमेजिंग हैं। मुझे लगता है कि आपने अपने आप को क्लोज कर लिया है, आपकी पर्सनालिटी किसी को नजर नहीं आ रही, आपका जो ट्रू नेचर है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने अमेजिंग हैं, वो कोई देख नहीं पा रहा, क्योंकि आपने अपने आप को क्लोज कर लिया है। और ये वक्त है अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को वेलकम करने का। सो यहां जितनी भी लाइट आप देख रहे हैं ये आपके लिए ही है। और आपको कहा जा रहा है फूल के कार्ड के साथ लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। शायद आप डर रहे हैं अपने फ्यूचर से, किसी नए पर्सन को ट्रस्ट करने से। शायद आपको लगता है कि हर बार आपका अंजाम यही होगा, या हर बार आप इसी सिचुएशन से गुजरेंगे, या फिर आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और किसी और के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, किसी और के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाएंगे,
फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, जैसा भी फील कर रहे हो, इस वक्त आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है, क्योंकि यही चीज, ये एक्शन, ये चेंज, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, यही आपको इस सिक्स ऑफ कप्स से बाहर निकालेगा, यही आपको इस अंधेरे से बाहर का रास्ता दिखाएगा और आप मूव ऑन कर पाएंगे। इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ऑफकोर्स ये आपका रिलेशनशिप है। वाटर है यहां पर, तो कोई वाटर साइन हो सकता है, हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है ऑफकोर्स, और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस हो जाए। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Hermit, Transformation, Messenger of Air, and Messenger of Fire. हमारे पास कार्ड है हर्मिट का। हर्मिट के कार्ड के साथ एरीज आपके लिए जरूरी है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। मुझे लग रहा है कि आप दूसरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय अपने ऊपर करने के। अगर इस वक्त आप अकेले भी रहना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। डेफिनेटली आप रह सकते हैं, पर इस समय हेल्दी ये होगा कि आप अपने ऊपर फोकस करें बजाय अपने पास्ट के रिलेशनशिप पे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपको कुछ सिखा रहा है, आप इससे कुछ लर्न कर रहे हैं। सो आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं। हो सकता है कि आप किसी सरफेस के नीचे नहीं देख पा रहे हैं, ओके, आप ऊपर से कवर को देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहां पर कुछ भी बचा नहीं है, ये स्पेस बिल्कुल ब्लैंक है, ये स्पेस बिल्कुल प्लेन है, और आपके अंदर कोई फायर नहीं है। ऐसा नहीं है, इस कवर को ब्लो करके देखिए, ओके, सरफेस को ब्लो करके देखिए, आपकी फायर अभी भी वही है, आप वही इंसान हैं। तो यहां पर आपको कहा जा रहा है कि आपको मैसेंजर ऑफ एयर से मैसेंजर ऑफ फायर बनना है। मैसेंजर ऑफ एयर से मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा बिटर हो सकते हैं इस वीक में, क्योंकि आप अपने स्ट्रेस से डील नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने रिलेशनशिप के स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और शायद इसलिए आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रह सकते हैं। पर याद रखिए कि ये आप नहीं हैं, ये आप कभी भी नहीं थे, आप मैसेंजर ऑफ फायर हैं, आप वैसे भी फायर साइन हैं। सो यहां पर आपको अपने असली रूप में आना चाहिए, यानी कि आपको अपनी रियल पर्सनालिटी को शो करना चाहिए। अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, और डेफिनेटली नए लोगों को अपने लाइफ में आने दीजिए, नए लोगों को अपॉर्चुनिटी दीजिए अपने आप को जानने का। भले ही आपका रिलेशनशिप का इरादा हो या नहीं हो, वो डेफिनेटली आपकी पर्सनल चॉइस है, बट यहां पर आपको कहा जा रहा है कि सोशलाइज कीजिए या लोगों से कॉन्टेक्ट बनाइए, लोगों से बातें कीजिए, इससे आपको बेनिफिट होगा और अपने अमेजिंग साइड को दिखाइए, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future. आपको कहा जा रहा है कि चेन को ब्रेक कीजिए,
शायद आप एक जगह पर फिक्स हो गए हैं, जैसे कि किसी चेन से बंधे हुए हों, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि आप हमेशा हील कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को फिर से लिखिए, रिराइटिंग द फ्यूचर, यहां से नई शुरुआत कीजिए, अपने फ्यूचर को लिखिए। और आपके लिए हील होना जरूरी है। अगर आप हर्मिट के कार्ड के साथ हैवी, तो दूसरों पे ना फोकस करके अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने वक्त का सदुपयोग कीजिए। तो ये थी रीडिंग आपकी अक्टूबर के थर्ड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।